वीरपुर गांव के लोग अमावस्या की रात को घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। अगर उन्हें कहीं जाना होता तो वे जमीन के अंदर के रास्ते से जाते। रवि गांव में अपने मामा के घर घूमने आया हुआ था। मामा, लाइट तो आ नहीं रही, बिना पंखे के बहुत गर्मी लगेगी, क्या मैं छत पर जाकर सो जाऊं? नहीं बेटा, छत पर नहीं, आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात है, तो क्या हो गया? गांव में अमावस्या की रात को नरमुंडों की बारिश होती है। नरमुंडों की बारिश? हाँ, नरमुंडों की नजर जिस पर भी पड़ जाए वे उसे कच्चा खा जाते हैं, इसीलिए अमावस्या की रात छत पर जाना या बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खिड़की दरवाजे भी सब बंद रखना। रवि को रात में नीचे गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। नरमुंडों की बारिश, लगता है मामा पागल हो गए हैं। आज रात में खिड़की से बाहर झांक कर देखूंगा। रवि रात में खिड़की खोलकर नरमुंडों की बारिश का इंतजार करने लगा। आधी रात बीत जाने के बाद उसने देखा कि आसमान से ढेर सारे नरमुंड धरती पर गिर रहे हैं। एक नरमुंड की नजर रवि पर पड़ जाती है। नरमुंडो रवि की तरफ आता है। रवि तुरंत खिड़की बंद कर देता है, लेकिन नरमुंड खिड़की पर धक्का मारता ही रहता है। रवि डर कर अपने कमरे से बाहर भागता है। मामा, मामी, क्या हुआ रवि? कमरे में चलिए, एक नरमुंड खिड़की पर धक्के मार रहा है। रवि के मामा मामी जब कमरे में पहुँचे तो खिड़की से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आज दिन में मैंने तुम्हें नरमुंडों के बारे में बताया था, लगता है इसीलिए नरमुंडों का सपना देख लिया होगा। अगर तुम डरे हुए हो तो हमारे कमरे में सो सकते हो। नहीं मामा, मैं यहीं सो जाऊंगा। आखिर नरमुंड कहां से गिरते हैं? कहां से इनकी बारिश होती है? कौन इन्हें जमीन पर फेंकता है? अगले दिन वो यही सारे सवाल अपने मामा से पूछता है। गांव के बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये गांव श्रापित है, क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ पर नर बलि दी जाती थी। जिन लोगों की बलि दी गई, उन्हीं के कटे हुए सिर यहाँ गिरते हैं। हालांकि पता नहीं ये सच्चाई है या कोई कहानी। मामा, अगर आप गांव वाले इसी तरह हर अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नरमुंडों का रहस्य कभी पता नहीं लग पाएगा। बेटा, रहस्य जानने के चक्कर में जान का खतरा कौन मोल ले? रवि ने मन में ठान लिया कि वो नरमुंडों की गुत्थी सुलझाए बिना नहीं मानेगा। जब अगली अमावस्या की रात आई तो वो रात के 2 बजे दबे पांव छत पर चढ़ गया। आसमान बिल्कुल साफ था। आज तो कोई नरमुंड नहीं दिख रहा। फिर अचानक एक नरमुंड रवि के सिर पर गिरा, फिर कुछ और खोपड़ियां गिरी। धीरे धीरे नरमुंडों की बारिश तेज हो गई। वे सब नरमुंड रवि के पीछे पड़ गए। रवि हड़बड़ाहट में पड़ोस वाली छत पर कूदकर घर के आंगन में कूद गया। नरमुंड उसके पीछे गए। रवि तो मेन गेट खोलकर घर से बाहर निकल गया, लेकिन नरमुंडों की नजर घर में सो रहे लोगों पर पड़ गई। सब नरमुंड घर के अंदर घुस गए। सुबह जब रवि के मामा मामी उठे तो उन्होंने देखा रवि अपने कमरे में सो रहा था। जब वे लोग घर के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि पड़ोस में बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ भाई साहब? नरमुंडों ने घरों में घुसना भी शुरू कर दिया। तुम्हारे पड़ोसियों को पूरी तरह खा डाला, केवल उनकी हड्डियां बची हैं। तभी रवि बाहर आता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, नरमुंडों को मैंने बहुत करीब से देखा है, उन्हें पकड़ा जा सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर योजना बनाए। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो कभी ना कभी हमारे घरों में घुसकर हमें खा डालेंगे। लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? अमावस्या की रात हम पूरे गांव में जाल बिछाएंगे। जब नरमुंडों की बारिश होगी हम उन्हें जाल में कैद कर लेंगे। अगली अमावस्या पर गांव के लोगों ने मिलकर कई जालों को जोड़कर एक बहुत बड़ा जाल बनाया और उसे पूरे गांव में फैला दिया। सभी गांव वाले छिप गए और नरमुंडों की बारिश का इंतजार करने लगे। मुझे डर के मारे सूसू आ रही है। तो जल्दी से कर आओ। कुछ देर बाद नरमुंडों की बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने धीरे धीरे जाल खींचना शुरू कर दिया। ज्यादातर नरमुंड जाल में फंस गए, लेकिन कुछ नरमुंड जाल से बाहर आ गए। रात भर की मेहनत के बाद सारे नरमुंड जाल में कैद हो गए। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और तंत्र मंत्र पढ़कर नरमुंडों को जमीन में दफना दिया। बाबा,
अब तो ये गांव नरमुंड से मुक्त हो गया ना? कुछ कह नहीं सकते बेटे, हमें अगली अमावस्या का इंतजार करना होगा। लीलापुर के एक वीरान बंगले में एक फोटो दीवार पर लटका करती थी। ये फोटो लीलापुर की पहाड़ियों की थी और बहुत ही सुंदर थी, पर किसने ये फोटो खींची इसका किसी को कोई पता नहीं था। तो ये देखो दोस्तों, यही है लीलापुर बंगले का वो फेमस फोटो। वाह समीर, क्या बढ़िया फोटो है। ये तो लीलापुर का पर्वत है और नीचे खाई। जिसने भी ये खींची है वो बड़ा कलाकार होगा। हाँ वो तो है रोशनी, पर अफसोस की बात है कि ये कलाकार गुमनाम है। बहुत लोग यहाँ ये फोटो देखने आए पर कोई इसके बारे में कुछ जान नहीं पाया। पर पीयूष, किसी ने फोटो चुराने की कोशिश नहीं की? तुम कोशिश करके देख लो समीर, ऐसी बात तो ठीक है। इस फोटो में कुछ तो है, ये यहाँ से जाना नहीं चाहता। कहते हैं इसे ज्यादा देर तक देखना नहीं चाहिए। चलो हम यहाँ शूट करने आए हैं, वो काम शुरू करते हैं। अब जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। अरे ये क्या? क्या हुआ समीर? कुछ नहीं, तुम वहीं खड़ी हो, जाओ फिर से दूसरा शॉट लेता हूं। यहां कुछ ग्लिच्ड हो रहा है। खैर मैं शॉट लेता हूं। वो देखो वहां कुछ है, वहां कुछ हिल रहा है, पर यहां फोटो में तो कुछ नहीं है। बढ़िया शूट था, बहुत अच्छा काम किया पीयूष। रोशनी अपनी फिल्म तो सुपरहिट बनेगी। आखिर हो गया। समीर इस फोटो में पहले तो दिन का सीन था, अब देखो शाम का सीन हो गया है। वाव, जरूर कोई चमत्कार है इसमें। समीर समीर क्या हुआ? लगता है उस फोटो में से कुछ बाहर आकर मुझे। यहाँ कुछ है समीर, पीयूष कौन है, कौन हो तुम? नहीं रोशनी, रोशनी संभालो। मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। रोशनी तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हुआ था समीर? कुछ नहीं, अब चलते हैं यहाँ से। वो अंदर क्या हुआ था समीर? रोशनी ठीक तो है? हाँ बस यहाँ से निकलते हैं। ये क्या कर रहे हो समीर? ये मैं नहीं कर रहा। ये कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे नहीं पता। ये कौन सी जगह है?
रोशनी क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? आओ मेरे पास आओ। ए समीर, ये तो वही पहाड़ी जगह है जो उस फोटो में थी। अरे हाँ, ये तो वही है। आओ मेरे पास आओ। समीर, ये तो खाई की तरफ जा रही है। ओ नो, वो तो बहुत गहरी है। रुको रोशनी, रुको रोशनी, वहां मत जाओ। आओ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। ये क्या है, मैं आगे नहीं जा सकता, कोई हमें रोक रहा है। रोशनी रोशनी, आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। आओ डरो नहीं, मेरे पास आओ। नहीं, ये तुम क्यों कर रही हो? मैं यहाँ कैसे? तुम कौन हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम मेरे पास आने वाली थी। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? कितनी अकेली हूँ मैं, बस मुझे तो एक सहेली चाहिए। लेकिन वो फोटो? वो फोटो मैंने ही ली थी। मेरा नाम लक्ष्मी है। 20 साल पहले मैंने वो फोटो ली थी, लेकिन फिर कुदरत का मजाक तो देखो। कुछ दिनों बाद जब मैं यहाँ फोटो लेने आई, तब मेरा पैर फिसल गया और मैं यहीं से गिर गई। बस वहीं मैं चल बसी। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, यहाँ अकेली सुनसान पड़ी रही सालों तक। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक तरीका मिला। मैं उस फोटो के द्वारा बाहर की दुनिया देखने लगी। पर कोई मेरे पास ज्यादा देर तक नहीं रहता, मैं किससे बात करती? फिर आज तुम आई और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। रोशनी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पर मैं कैसे? बस तुम्हें वही करना होगा जो मेरे साथ हुआ था, फिर हम हमेशा के लिए साथ साथ। आओ रोशनी, डरो नहीं, आओ। नहीं रोशनी, मत जाओ। हमें उस फोटो को जलाना होगा। तुम जाओ पीयूष, उस फोटो को नष्ट कर दो। मैं किसी तरह रोशनी को रोकता हूं। रोशनी रुको। आओ रोशनी, बस 10 कदम और। नहीं रोशनी, रुक जाओ। वो रहा फोटो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक हो? लाख लाख शुक्र है। पर वो चली गई, उसकी चिंता मत करो।
पीयूष ने अपना काम कर दिया होगा, बस आता ही होगा।